बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो हमारे यहाँ नदियों की, पर्वतों की, सर्पों की, पशु पक्षियों की पूजा की जाती है, क्योंकि वो प्रकृति का एक अविभाज्य अंग हैं। प्रकृति के साथ हमारे जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसे नाग पंचमी हम कहते हैं। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है, जो भगवान शिव के गले में विद्यमान हैं, उन सर्पों की पूजा होती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। आप देखिए कि आपने बहुत बार कथाओं में सुना होगा कि जमीन के नीचे धन गड़ा है, नाग उसकी रक्षा कर रहे हैं। या आपने कथाओं में सुना होगा कि सांप के पास एक मणि है जो बहुत मूल्यवान है। ये इस बात की सूचना है कि सर्पों की पूजा करके या सर्पों की विशेष प्रक्रिया से पूजा करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं हो तो भी नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करके उससे लाभ पा सकते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु को सर्प के समान माना गया है, इसलिए अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपकी कुंडली में है, चाहे वो राहु से संबंधित हो चाहे वो केतु से संबंधित हो, तो आप वो पूजा करके विशेष लाभ निश्चित रूप से पा सकते हैं। सर्प के अगर स्वप्न आते हों आपको, सांप के उल्टे सीधे सपने आते हों, या सांप से, सर्प से आपको भय लगता हो, डर लगता हो, तो भी नाग पंचमी के दिन अगर आप नागों की पूजा करते हैं, सर्पों की पूजा करते हैं, तो ये विशेष अनुकूल माना जाता है। तो सांप से संबंधित अगर कोई बाधा है जिंदगी में, आपको सर्प से भय लगता है, सांप के बहुत सारे सपने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी सांपों की पूजा करना अच्छा होता है। इस बार जो नाग पंचमी के पर्व का अवसर आ रहा है वो 2 अगस्त को है, तो 2 अगस्त को हम सब विधि विधान पूर्वक, नियमों के साथ, परंपरा के साथ नागों की पूजा करेंगे और नाग पंचमी का पर्व मनाएंगे। देखिए, नाग पंचमी का जो पर्व है वो मुख्य रूप से सुबह के समय मनाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा दोपहर तक इसको मना लेना ही बेहतर होता है। सुबह स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान शिव का ध्यान करें। पहले भगवान शिव की पूजा करेंगे, पहले भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करेंगे। इसके बाद शिव जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करेंगे। भगवान शिव का जो चित्र होगा, जो उनकी मूर्ति होगी, उसमें उनके गले में जो सर्प हैं उनकी पूजा करेंगे। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद चने, खील बताशे और कच्चा दूध अर्पित करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से, गेरू से या मिट्टी से सांप की आकृति बनाएंगे और इसकी भी पूजा करेंगे। इसके बाद एक मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर में जल का छिड़काव करेंगे। मंत्र है ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। सांप से संबंधित अगर कोई दिक्कत जीवन में है या कोई सर्प बाधा जीवन में है, तो इस मंत्र को पढ़ करके जल घर में छिड़कने से वो बाधा दूर हो जाती है। तो ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, इस मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में जल छिड़केंगे। इसके बाद आपकी नाग पंचमी की पूजा संपन्न हो जाएगी।
पहले बता दूं कि भगवान शिव के गले में जो नाग है, जो सर्प है, उसका नाम है वासुकी। भगवान शिव के गले में वासुकी नाम का सर्प है। सर्प का मतलब आध्यात्मिक दुनिया में होता है कुंडलिनी शक्ति। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है शरीर में, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सांप की तरह ऊपर की ओर चढ़ती है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जो सांप है, जो नाग है, वो आध्यात्मिक शक्ति की सूचना देते हैं। कुंडलिनी शक्ति को या आध्यात्मिक शक्ति को जो कंट्रोल करते हैं वो भगवान शिव हैं। इसीलिए उनके गले में सर्प भी हैं और सर्पों के साथ उनकी पूजा भी की जाती है। ये पूजा आप नारायण की भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु की भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो भगवान विष्णु भी सर्प के सिंहासन पे सोते हैं, क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। तो सर्प से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का संबंध है, भगवान कृष्ण का भी संबंध है, लेकिन ज्यादातर सर्प के जो नियंत्रक देवता हैं वो भगवान शिव हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा करने से सर्प का नुकसान नहीं होता और सर्प से जो आध्यात्मिक शक्ति आपको मिल सकती है वो शक्ति आपको प्राप्त होती है।